I wrote the single line meaning of the topic on the board as well. What is the meaning of four feature of share? Cancellation of shares by the company due to the non-payment of allotment money or any other cause. जब आपके शेयर होल्डर्स, बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, जब कुछ शेयर होल्डर्स हमें अलॉटमेंट मनी नहीं देते थे, कुछ शेयर होल्डर्स हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देते थे, तो उनके साथ क्या किया जाए? पहले उन्हें नोटिस भेजे जाते हैं, उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाता है, दैट योर मनी इज ड्यू नाउ, इट्स अ टाइम टू पे. इवन इफ दे डिनाय टू मेक द पेमेंट, देन द कंपनी हैज अ फुल राइट टू कैंसिल दैट शेयर. कंपनी अपने रजिस्टर में से उन बंदों के नाम काट देगी और जो पैसा वो पे कर चुके हैं वो सारा पैसा लैप्स हो जाएगा. कंपनी उस पैसे, पे किए गए पैसे में से शेयर होल्डर्स को कुछ भी लौटाएगी नहीं. इट मींस कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स से शेयर होल्डर्स को घाटा है और कंपनी को फायदा. एज इट इज अ बेनिफिट टू द कंपनी, सो इट इज ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री. फोर फीचर की एंट्री में जब कभी भी करूंगी, फोर फीचर एंट्री में क्रेडिट होगा. ये अपनी बात याद रखनी है. फॉर होम इट इज अ बेनिफिट, सो इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन द एंट्री. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू फोर फीचर. कुछ एक रूल्स मैं बोलूंगी, अपने माइंड में रखने हैं. अभी तक जब कभी भी हम एप्लीकेशन मंगवाते थे या अलॉटमेंट मंगवाते थे या फर्स्ट कॉल मंगवाते थे, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है सारी एंट्रीज में. एम राइट? अब मैंने शेयर कैपिटल को क्या करना है? कैंसिल करना है. तो पहली बार फोर फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट हुई. Whenever four feature is there, share capital is to be debited. For example, number of shares to be forfeited are 100. This is to be multiplied with called up capital. What is the meaning of called up capital? See here. 10 rupees ka ek share hai. 3, 4, and 3. This is application money. This is allotment money. This is first and final call. What is the meaning of called up amount? अगर कंपनी ने अभी तक अलॉटमेंट मनी तक ही मंगवाया है, then called up capital is 7. Then 100 is to be multiplied with 7. अगर कंपनी ने सारा पैसा मंगवा लिया है, then 100 is to be multiplied with 10. Sometimes it can be fully called up, sometimes it can be partly called up. You need not to multiply it with the face value. You have to multiply it with called up capital. ठीक है, आपने देखना है क्वेश्चन में कंपनी में कितना पैसा मंगवाया है अभी तक शेयर होल्डर से. तो जितना पैसा मंगवाया है आपने उससे मल्टीप्लाई करना है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड. जिन कारणों से फोर फीचर हुआ है वो कारण क्रेडिट करने हैं. वो कारण हो सकता है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, वो कारण हो सकता है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, वो कारण हो सकता है नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल. तो जिन कारणों से फोर फीचर हुआ है उन कारणों को क्रेडिट कर देना है. और वो आपके क्या हो सकते हैं? इधर इट कैन बी शेयर अलॉटमेंट, वो नहीं पे की शेयर होल्डर ने, और इट कैन बी योर शेयर फर्स्ट कॉल, और इट कैन बी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. हो सकता है तीनों की नॉन पेमेंट हो सकता है किसी दो की नॉन पेमेंट हो. दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. डन? फिलहाल इतना आपने याद रखना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, इन द एंट्री ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड. किस अमाउंट से आपने उसे डेबिट करना है? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप कैपिटल. जिन कारणों से फोर फीचर हुआ है वो सारे कारण क्या कर देने हैं? क्रेडिट. उसके बाद मान लो अलॉटमेंट मनी इसने कितनी नहीं पे करी? 100 के ऊपर 3, 100 के ऊपर 4, 400. सेकेंड कॉल है नहीं, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, दैट इज 300. एक नया अकाउंट ओपन करेंगे इस एंट्री में, विच वी कॉल शेयर फोरफिटेड अकाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट? जो पैसा हमारा ये शेयर होल्डर पे कर चुका है वो फोरफिटेड में जाएगा. ये तो पे नहीं हुआ, जो पे कर चुका है वो फोरफिटेड में जाएगा. इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो क्या दिया है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी. इट मीन्स कि दैट आई विल बी ट्रांसफरिंग टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, एंड हाउ दैट 300 आई कैलकुलेटेड 100 into 3. जो नहीं पे किया वो रिस्पेक्टिव कॉज के अकाउंट में चला जाएगा, जो वो पे कर चुका है वही तो कंपनी का फायदा है. बैठे बिठाए कंपनी को फायदा हो गया, और
कंपनी ने बहुत बार नोटिस भेजे शेयर होल्डर्स को कि अपना पेंडिंग मनी पे कर दो, दे डिनाइड, उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनके पास अब फर्दर पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है. इन दैट केस कंपनी हैज फुल राइट टू कैंसिल देयर शेयर्स एंड दिस इज द एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर कंपनी विल बी पासिंग इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. डन. दिस इज अ सिंपल केस. हैड द शेयर्स बीइंग इश्यूड एट प्रीमियम तो फॉरफीचर की एंट्री में क्या चेंज आएगा? Had the shares being issued at premium, then the forfeiture entry will get changed. But उसमें भी एक logic है. अगर premium मिल चुका है, तो entry will remain same. किसके साथ premium होता है? Means allotment मिल चुकी है. Done. So entry same रहेगी. मान लो allotment नहीं मिली, first call नहीं मिली और premium भी नहीं मिला, then only premium is to be debited in the journal entry. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एसपीआर अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट. जब अलॉटमेंट नहीं मिला, डेफिनेटली प्रीमियम भी नहीं मिला. टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो मिल गया है किस अकाउंट में ट्रांसफर करो? शेयर फोरफीटेड अकाउंट. दो एंट्रीज मैंने आपको समझाई हैं. वन इज व्हेन शेयर्स वर इश्यूड एट पार एंड अदर इज व्हेन शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम. प्रीमियम एंट्री में तब डेबिट होना है जब वो नहीं मिला. दिस क्वेश्चन ही कैन आस्क, व्हेन इन द एंट्री ऑफ फोरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम इज टू बी डेबिटेड? व्हेन इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड. ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है. सो लेट्स पिक फ्यू इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू फोरफीचर ऑफ शेयर्स. लेट्स सी, टॉपिक के बारे में पता चल गया. कैंसलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू द नॉन पेमेंट. 37th इलस्ट्रेशन देखो. हाँ जी बेटे, बिल्कुल डाल सकते हैं. कौन सी, अगर क्वेश्चन में कौन सी नेरियर अकाउंट ओपन किया तो कौन सी नेरियर में डालेंगे, अगर नहीं ओपन किया तो उसका नाम लिखो. क्योंकि मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, जिन कारणों से फोरफीचर हुआ है तो मैं उसका नाम ही लिख देती हूँ. ठीक है, कौन सी नेरियर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. 37th इलस्ट्रेशन देखो, रीड इट ऑन योर ओन. एमितोस पढ़ो, 37th इलस्ट्रेशन पढ़नी शुरू करो एवरीवन. Try to understand the statement. जो भी highlighting point है, I will write on the board. मैं दोबारा कभी statement नहीं पढ़ती. एक बार मैं statement ऊपर लिख देती हूँ board पे, then I refer the board only. Shiv Limited, 5000 shares थे, 10 रुपए का एक था, पार पे हैं. 10 रुपए कैसे कवर करने? 2, 3, 3 और 2. परम के पास 40 shares थे. पहले केस में मान के चलो परम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी. ठीक है जी, पहला केस पढ़ लो. पास द जर्नल एंट्रीज इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर फॉरफीटेड. ठीक है, मैंने अभी आपको सिखाया. पेज खुल गया 37th इलस्ट्रेशन. 37th इलस्ट्रेशन कहाँ पे पहुंचे हो? शेयर फोरफीचर की हर एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होनी है. नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कैपिटल. बोलो कितना कॉल्ड अप है? 5. कंपनी ने मंगवाया ही अलॉटमेंट तक, और अलॉटमेंट के इमीडिएटली बाद फोरफीचर हो गया. तो आई विल नॉट बी मल्टीप्लाइंग 40 विद 10, आई विल बी मल्टीप्लाइंग 40 विद 5. एम आई राइट? जिन कारणों से फोरफीचर हुआ है वो कारण क्रेडिट करो. वो कारण एक ही तो है, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट. 40 × 3, जो वो पे कर चुका है वो फोरफीचर में डाल दो. और वो कितना पे कर चुका है? 40 शेयर्स के पीछे ₹2 के हिसाब से 80. इज इट मैचिंग? दोनों साइड मैच होनी चाहिए. टोटल मैच हो रहा है. टू व्हाट? शेयर फोरफीचर. फर्स्ट रो डोर साइड, फर्स्ट रो. हैव यू गॉट इट? फर्स्ट केस इज डन. आगे चलते हैं सेकेंड केस. डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू हिज शेयर्स वर फोरफीटेड. अब फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फोरफीट है, सिर्फ चेंज क्या होगा? कॉल्ड अप कैपिटल 6 और 2, 8 रुपए मंगवाएंगे. क्वेश्चन चेंज. अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 320.
जिन कारणों से फोरफीचर हुआ है वो कारण क्रेडिट करो। अब की बार दो चीजों की नॉन पेमेंट है, अलॉटमेंट भी नहीं दी पर हमने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। सो एज ही वॉज सेइंग यू कैन राइट कॉल्स इन एरियर ऑल्सो, यू कैन राइट द नेम ऑफ द कॉल मनी, राइट? दैट इज वॉट योर फर्स्ट कॉल, ही इज क्रेडिटिंग फर्स्ट कॉल, लक्षित, ठीक है? आगे जाके वो हमें कॉल्स इन एरियर से भी क्वेश्चन करना सिखाएगा, बट फिलहाल इट इज द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक, सो ही इज नेमिंग द कॉल्स। डन, टू वॉट शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की थी, वो भी रुपीज 3 थी, ये भी 120, ये भी 120, जो वो पे कर चुका है, पर हम क्या पे कर चुका है, ओनली एप्लीकेशन मनी, दैट इज रुपीज 80, इज इट मैचिंग? एंड दैट व्हाट एवर ही हैज पेड, दैट इज अ बेनिफिट फॉर द कंपनी, सो बीइंग अ बेनिफिट इट इज टू बी क्रेडिटेड, टू शेयर फोरफीटेड विद रुपीज 80। थर्ड केस पढ़िए। अब की बार उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, और सेकंड कॉल के बाद शेयर फोरफिट हुए हैं। आपको नहीं लगता शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप? जब उसने सेकंड कॉल मंगवाई है और फर्म ने नहीं पे करी सेकंड कॉल, इट मींस कि शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप। व्हेन शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 10। इज इट फाइन विद एवरीवन? दैट इज 400। किन दो कारणों से शेयर फोरफिचर हुआ है, क्या डिफॉल्ट किया है मेरे शेयर होल्डर्स ने, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, तो उनके नाम लिख दीजिए, जिन कारणों से फोरफीचर हुआ है वो कारण क्रेडिट कर दीजिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, 40 × 3 दैट इज 120, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल दैट इज ₹2 दैट इज 80। क्या पे कर चुका है वो बंदा, ये दो चीजें नहीं पे करी, इट मींस कि ये दो चीजें पे करी है, एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, वेरी गुड, 200। 40 × 5 that is 200 and we will be transferring it to share forfeited and most of the time I will be calling share forfeited as SF in your chapter. ठीक है? Any doubt? Should I repeat the concept again? Cancellation of shares due to the non-payment of call money due. That call money may include your allotment money, that can include your first call, that can include your second call. जिन कारणों से फोरफीचर हुआ है वो कारण क्रेडिट कर देना, जो वो पे कर चुका है उसे शेयर फोरफीटेड में ट्रांसफर कर देना। बैक क्वेश्चन देखो, एक दो बैक एक्सरसाइज के करते हैं। 39 के सारे पार्ट करते हैं, पेज नंबर 9.116, 39th क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज। Read it and start solving it. That is same as of Param. जो Param के तीनों cases करे हैं वही वहां पे हैं। Alpha Limited वाला question है। दमन शर्मा question करना शुरू करना, करने से आने हैं question, वैसे नहीं आने। You too solve it. Open your notebook. 20,000 shares हैं company के पास। हर share 10 रुपए का है। Par पे issue करे हैं। 2 application, 3 allotment, 3, 2. 2, 3, 3, 2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक लिखा मैंने? यस। गणेश के पास 100 शेयर थे। चलो जी, पहले केस में ये मान के चलो गणेश ने अलॉटमेंट नहीं दी, करो एंट्री। फिर अगर गणेश ने अलॉटमेंट नहीं दी तो, और अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फोरफिट हुए, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई? 5। ठीक है जी, तो पहली एंट्री क्या बनेगी फर्स्ट केस की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप कैपिटल, दैट इज ₹5,500। जिन कारणों से फोरफीचर हुआ है वो कारण क्रेडिट कर दीजिए, और पहले केस में कारण अलॉटमेंट है, सो दैट वी विल बी क्रेडिटिंग विद 300। टू शेयर अलॉटमेंट, जिन कारणों से फोरफीचर हुआ है वो कारण क्रेडिट कर दीजिए, जो वो पे कर चुका है वो शेयर फोरफीटेड में ट्रांसफर कर दीजिए। अलॉटमेंट तक मंगवाया है, अलॉटमेंट नहीं पे करी मींस एप्लीकेशन वो पे कर चुका है, दैट इज व्हाट 200। पहला केस डन, एनी डाउट टू एनीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड केस में उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। जब उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए, तो 8 रुपीज कॉल्ड अप। ठीक है, इसी को चेंज करेंगे, 8, 8 डन। जिन कारणों से फोरफीचर हुआ है वो कारण 2 हैं, ना उसने अलॉटमेंट दी ना उसने फर्स्ट कॉल दी, तो फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट कर दो। टू शेयर फर्स्ट कॉल दैट इज 300,
जो वो पे कर चुका है वो कंपनी का बेनिफिट है, बीइंग अ बेनिफिट इट इज टू बी क्रेडिटेड एंड वी ओपन अ न्यू अकाउंट फॉर इट व्हिच वी कॉल फॉरफिटेड अकाउंट दैट इज विद रुपीज 200. सो इट इज मैचिंग ना, टू शेयर फॉरफिटेड व्हिच आई कॉल एसएफ दैट इज 200. डन. अगले केस में कहता है उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, इट मींस कि तब शेयर फुली पेड अप नहीं है, फुली कॉल्ड अप. माइंड इट, दोनों टर्मिनोलॉजी में फर्क है. यू कॉल्ड फुल बट दे आर नॉट पेइंग फुल. ठीक है, सो इट इज नॉट फुली पेड अप, इट इज फुली कॉल्ड अप. डन. 10,000 क्या नहीं पे किया, ना फर्स्ट कॉल पे करी ना सेकेंड कॉल पे करी. जिन कारणों से फोर फीचर हुआ है वो दोनों कारण क्रेडिट करो, नाम लिखो उन कारणों के. टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट कॉल है 300, 3 से मल्टीप्लाई करके, सेकेंड कॉल है 200, 2 जो वो पे कर चुका है, 5 रुपए पे कर चुका है, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के. सो 500 इज एन इनकम, इज अ बेनिफिट बैठे बिठाए, एंड दैट बेनिफिट यू नो दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर, कभी कभार होता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. ठीक है, टू व्हाट, शेयर फॉरफिट. एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? वेरी सिंपल केस वी पिक. बहुत कम बार है कि वो प्रीमियम के बिना का फॉरफिट डाले. ठीक है, धीरे धीरे वी विल प्रोसीड इन दिस चैप्टर और इन दिस टॉपिक, देन वी विल सी कि हमारे लेटेस्ट सीबीएसई के सैंपल पेपर में फॉरफिट के कैसे क्वेश्चन उसने भेजे, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं ना किए हुए, बिकॉज दैट टाइम वी डिडंट कवर दिस चैप्टर. चलिए जी, सो 38th इलस्ट्रेशन पे आ जाइए. एयर ड्रॉप लिमिटेड, कम एट 38th इलस्ट्रेशन, दिस वाज बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 39. पढ़िए जी, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 1,00,000, हर शेयर कितने का है, 10 रुपए का, और वो 10 रुपए कैसे कवर होने हैं, 3 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई 140 की, प्रो राटा की हेल्प लेनी पड़ेगी, 80,000 वालों को 80,000 ही दे दिए, 50,000 जिन्होंने अप्लाई किया सेकंड कैटेगरी उन्हें 20,000 दिए, और 10,000 वालों को नहीं. एनी डाउट अबाउट दीज टू कॉलम्स, ही इज गिविंग दिस इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो मेरे को एक्सेस मनी वगैरह निकालनी है तो मैंने ऐसे लिख के रख लिया. एक शेयर होल्डर था जिसने 1,000 के लिए अप्लाई किया था, उसे 1,000 ही मिले, इट मीन्स की ही इज बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी. जब फर्स्ट कैटेगरी की मैं बात करती हूँ तो इसमें एक्सेस है ही नहीं, नीड नॉट टू वरी. ठीक है, इसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं पे किया और उसके शेयर फॉरफिट हो गए. आपसे सारी एंट्रीज पूछी हूँ, 1,000 वाली बाद में बात करेंगे और अलॉटमेंट के बाद फॉरफिटर है कर देंगे, पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं. बोलो जी, एप्लीकेशन 140 into 3 अमाउंट 4,20,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर एप्लीकेशन दैट इज 4,20,000, राइट. नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर, एंड हाउ मच इज टू बी रिटर्न, हाउ मच इज टू बी रिटर्न, 10,000 into 3, ये रिफंड करना बनता है. इसका एक्सेस कुछ नहीं लिखा तो भी अंडरस्टूड है कि अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे. गेटिंग इट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इवन देन इट इज अ रूल दैट एक्सेस मनी इज नॉट टू बी रिफंडेड, दैट इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट. इज इट क्लियर विद एवरीवन? नहीं लाइन लिखी ना एक्सेस मनी के बारे में, इवन देन इन द एंट्री ही इज क्रेडिटिंग शेयर अलॉटमेंट बिकॉज इट इज अ रूल. चलिए जी, अगली एंट्री करवाइए, पहले लिख के रखते हैं फिर अमाउंट फिल करते हैं. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, इतना तो पता है 420 से डेबिट होना है. टू शेयर कैपिटल, 1,00,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3,00,000, टू शेयर कैपिटल 3,00,000, रिफंड कितना करना है अभी बताया, टू बैंक 30,000, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस बाकी 90,000 बच गया, और 90,000 ओके ठीक है जी करके देखना पड़ेगा, उस दिन भी हमारा यही यहाँ पे हुआ था. 50,000 पे कितना मिला हमें, 1,50,000, दिस इज व्हाट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दिस प्रो राटा. ठीक है, मिलना कितना चाहिए था, 60,000. डन, हाउ मच एक्सेस द कंपनी रिसीव्ड, 90,000. अलॉटमेंट ड्यू
80,000 है भाई, अलॉटमेंट के केस एडजस्ट करने के बाद भी 10,000 बच जाता है, दैट वी नीड टू रिटर्न बैक ना। करवाया हुआ ये भी केस आपको, बिकॉज ही हैज नॉट टोल्ड मी दैट यू कैन एडजस्ट इवन अगेंस्ट फॉल्स। As the question was thoroughly silent about its treatment, we will just be adjusting the excess only towards allotment. Even after adjusting that, something is being left over that is to be returned back. So that's why it's not 30 plus 10, 40,000. Am I right? Okay. Who will tell me the immediately that how much allotment you will receive? How much allotment you will receive? Allotment ki amount bolo. Kitni receive karo? Allotment 4 lakh receive karenge. Book mein likha hai. हाँ? 3 लाख 3,20,000 क्योंकि 80 तो मिल गया ना इस कैटेगरी का, ठीक है ना, 80 का 80 ही एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया, इस कैटेगरी का तो सारा ही मिल गया, सिर्फ ये रह गया 80, ये तो है ही रिफंड, इनको मिला ही नहीं कुछ, ठीक है। तो आंसर शुड इमीडिएटली कम टू योर माइंड, 4 लाख ड्यू जरूर करेंगे लेकिन 80 मिल चुका हुआ इस कैटेगरी का ऑलरेडी, तो 320 मिलेगा, डन। चलिए जी, टू बैंक इंस्टेड ऑफ राइटिंग 30 आई विल राइट 40, टू शेयर अलॉटमेंट दैट इज 80,000। अलॉटमेंट ड्यू करवाओ, अलॉटमेंट ड्यू करवाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट भी था ना सुहानी, आपने वो नहीं बताया मेरे को, ठीक है। 4 लाख में से 80 मिल चुका है, मिलना कितना चाहिए था 320, एक शेयर होल्डर के पास 1,000 शेयर्स थे, उन 1,000 शेयर्स के ऊपर 4 के हिसाब से मेरे को नहीं मिला, तो कॉल्स इन एरियर है, मींस 4,000 नहीं मिला। 320 में से 4,000 माइनस करो, 316 लिखा होगा, यस 316 ही है। चाहो तो बैंक अकाउंट डेबिट के साथ कॉल्स इन एरियर भी डेबिट कर सकते हो, नहीं करना तो नेट से पास कर दो, द वे ही इज पासिंग इन योर बुक, ठीक है, दोनों ही क्राइटेरिया ठीक है। बट इन केस स्पेसिफिकली ही सेज दैट कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज टू बी ओपन, देन यू नीड टू डेबिट इट इन द एंट्री। अनमोल ठीक है, 320 आई शुड रिसीव, वन शेयर होल्डर इज मेकिंग अ डिफॉल्ट, हाउ मेनी शेयर्स ही वाज पोजेसिंग, 1000 इनटू 4, 320 में से 4000 और माइनस कर दो जो हमें नहीं मिला, इट मींस कि नेट अमाउंट वी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज 3,16,000। इज इट क्लियर? एंट्री करिए फिर बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 3,16,000, ऑल माई मेंटल कैलकुलेशन, ठीक है, आप चाहो तो लिख के करो, डन। आगे चलते हैं, अलॉटमेंट के इमीडिएटली बाद जिस बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी उसके शेयर फोरफिट करो, व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल, व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल, 7,000 डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल में, करो फिर एंट्री। मीन्स फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी ही कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ फोर फीचर, यही तो टेक्निकलिटी है, मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आएगा तो फोर फीचर और री इशू का आएगा, फोर फीचर के बाद एक ही टॉपिक रह गया इस चैप्टर का विच वी कॉल री इशू, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री इशू व्हेन दैट टॉपिक विल कम इन योर बुक। सो दिस इज व्हाट, शेयर कैपिटल डेबिटेड फोर फीचर की एंट्री, 1,000 × 7, जिन कारणों से फोर फीचर हुआ है वो कारण क्या करने हैं, क्रेडिट, और वो कारण क्या था, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट ऑफ रुपेस, मींस अगर 7 रुपए मंगवाए हैं, 4 उसने नहीं पे करे, जो वो पे कर चुका है वो फोर फीचर में ट्रांसफर करना, एंड फोर फीचर मेरा एक तरह का बेनिफिट है, मेरा एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है, सो दैट्स व्हाई आई विल बी क्रेडिटिंग इट विद रुपीज 3,000, इट्स डन। क्या उसने बोला है फर्स्ट कॉल तक एंट्रीज पास करो, नो, उसने पहली लाइन में लिखा था द बैलेंस एज डिसाइडेड, एज डिसाइडेड मींस कंपनी डिसाइड करेगी मंगवाना है अभी के नहीं, ठीक है जी। सो दिस वाज योर 38th इलस्ट्रेशन। हां जी बेटा जी, एक और बात आपने याद रखनी है, मान लो यहां तक क्वेश्चन खत्म है और इस सारे सीन को मैं चाहती हूँ कि बैलेंस शीट में दिखाओ, ऑथोराइज्ड कैपिटल भी मान लो दी होती, इशूड भी दी होती, सब्सक्राइब भी दी होती, तो फोर फीचर का भी बैलेंस रहता ना, मैं फोर फीचर का लेजर अकाउंट बनाती तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आता ना, नहीं बाय शेयर कैपिटल आता, टू बैलेंस कैरी डाउन आता, और वो बनता बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है ना। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ही हमारा नेचर डिसाइड करता है क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इट मींस कि इसे बैलेंस शीट में कहीं दिखाना बनता है, जब इसकी बैलेंसिंग फिगर बच रही है, हर वो लेजर अकाउंट जिसकी बैलेंसिंग फिगर बचती है वो बैलेंस शीट में आता है। वेयर डू वी शो दिस शेयर फॉरफिटेड इन कंपनीज बैलेंस शीट, दिस इज टू बी एडेड टू सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप,
बीइंग अ बेनिफिट, ठीक है। शेयर फॉरफिटेड को आपने सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में ऐड करना है। सो 39th इलस्ट्रेशन में कुछ ऐसा ही है। जर्नल एंट्रीज पास किए बिना आई विल बी टेलिंग यू व्हाट अमाउंट वी विल शो हियर, ठीक। तो 39th में फोर फीचर का, हां जी, फुली पेड अप में है, फुली पेड अप में ऐड करना लिखा हुआ है बुक में, मैं अंडरलाइन करवाती हूँ, बुक में ही लिखा हुआ है। पेज नंबर 9.63 पे आओ, थोड़े से बैक पेजेस टर्न करो, पेज नंबर 9.63 पे आओ। एक हेडिंग बना रखा है उस पेज पे, डिस्क्लोजर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इन द बैलेंस शीट। पढ़ो ये तीन लाइनें, डिस्क्लोजर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इन द बैलेंस शीट, रीड इट। जब तक फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू नहीं होते तब तक आप इसने बैलेंस शीट में दिखाएंगे और इसे किस में ऐड करेंगे, इज एडेड टू द पेड अप कैपिटल अंडर सब्सक्राइब कैपिटल इनटू नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है जी। ऐड करना, जैसे क्लोजिंग एरियर माइनस किया करते थे शेयर फॉरफिटेड, जब तक रीइश्यू नहीं हुए शेयर, क्योंकि रीइश्यू के टाइम पे ये फॉरफिटेड का बैलेंस यूज होगा, तो जब तक रीइश्यू नहीं हुए तब तक, रीइश्यू से पहले आपने इसे बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में ऐड करना है, ठीक है। सो दिस लाइन यू हैव टू पुट अ टिक, आपको ये थ्योरी में पॉइंट याद रखना है। नाउ कम टू 39, अगेन वी विल बी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। व्हाई दिस बैलेंस शीट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर बैलेंस शीट, पहले भी बैलेंस शीट के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वहां पे फोर फीचर से पहले के थे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट विद फोर फीचर, मीन्स फोर फीचर का पॉइंट ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एंड ही इज आस्किंग हाउ विल यू शो फोर फीचर अकाउंट इन योर कंपनीज बैलेंस शीट। लेट्स प्रोसीड विद दिस बैलेंस शीट नाउ। जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट है ऊपर लिखेंगे, फिर नोट्स से अकाउंट्स बनाएंगे एंड वी विल सी व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल वी विल बी शोइंग इन द कंपनीज बैलेंस शीट। दिस इज रॉनेट स्टाइल्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कैपिटल बनाना शुरू करो साथ ही। नोट्स टू अकाउंट्स, नंबर वन शेयर कैपिटल, इसके अंडर पहली कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन आमतौर पे ही ऑलवेज राइट ऑथोराइज कैपिटल विद ए। 85 लाख है रुपीस वाइज, हर शेयर 100 रुपए का है, तो ऑब्वियस है 85,000 इक्विटी शेयर्स है एट द रेट ऑफ 100 ईच। लिखने का ढंग है भाई, 85,000 shares at the rate of 100 each, so that comes to me 85 lakh, 50s. Second number पे कौन सी capital आती है? Issued capital. Has he given me the information about issued capital? Yes. 85,000 shares हैं कंपनी के पास total, लोगों से सिर्फ 45,000 की applications मंगवाई, it means कि that is my issued capital 45 lakh। लिखिए फिर issued capital heading बनाइए, 45,000 shares at the rate of 100 each. This is 45 lakh. Subscribed, उसमें fully paid and subscribed but not fully paid. देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब है। हर शेयर 100 का है, 25 रुपए एप्लीकेशन के, 35 अलॉटमेंट के, 25 रुपए फर्स्ट कॉल के, ये बन गया आपका 50, 85, 15 रुपए बाकी जो बचे वो आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, 42,000 की एप्लीकेशंस आई अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, वो हमें लेना देना है नहीं यहाँ पे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू पास द जर्नल एंट्री। सारे एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने शेयर्स दे दिए। कवि एक बंदा था जिसको 3,300 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने दोनों कॉल्स नहीं पे करी, ठीक है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। For your convenience, I will just be passing the entry of four feature so that you can have an idea कि four feature के account में कितना आएगा, ठीक है। दोनों calls नहीं pay करी, it means कि company ने fully called up है। कवि के पास कितने shares हैं? कवि के पास कितने shares हैं? 3,300 से multiply करूंगी, 3,300 को 100 से multiply करूंगी, 3,30,000, दो zeros बढ़ जाएंगी ना। चलिए जी करिए, share capital account debited. डन। जिन कारणों से फोर फीचर हुआ है वो दोनों कारण क्रेडिट करो, करो फिर। टू शेयर
फर्स्ट कॉल टू शेयर, सेकंड कॉल जो वो पे कर चुका है वो शेयर फोरफिटेड में ट्रांसफर करो, ठीक है जी। 3300 को 25 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट करो। 3300 × 25, तू मत करना कोई भी काम, ठीक है। 8 2 8 2 5 0 0, चलिए जी 15 से करिए मल्टीप्लाई। 45 4 45 49 49 550, क्या पे कर चुका है वो 60 रुपए, ठीक है। 3300 × 60, बुक से कॉपी करते हैं, 60 1,98,000। सो दिस इज टू बी एडेड टू सब्सक्राइब एंड अब हेडिंग क्या बनाएंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पे। ओवरऑल शेयर्स कितने थे, 42,000। 42,000 शेयर्स में से 3300 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, इट मींस कि वो बीच में से माइनस कर दो, 007 41। 38,700 शेयर्स पे सब कुछ मिल गया, ठीक लिखो फिर 38,700 × 100, ठीक है जी। कितना बनेगा, 38,70,000। अभी क्या सिखाया है, जिन पे नहीं मिला वो क्या है, फोरफिट हो गए। वैसे देखो मान लो क्वेश्चन फोरफीचर का ना होता, आप अगला पॉइंट क्या लिखते। मान लो क्वेश्चन फोरफीचर का ना होता, आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के बाद कैपिटल में क्या लिखते, नो आप क्या लिखते, हाँ आप लिखते सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आप यहाँ पे लिखते 3300 × 200, 330,000 माइनस कॉल्स इन एरियर, वो स्टेप चला गया। उस स्टेप की जगह नया स्टेप क्या आया, क्योंकि क्वेश्चन फोरफीचर का बन गया, ठीक है। कॉल्स इन एरियर, अब कॉल्स इन एरियर रहा ही नहीं ना, क्योंकि आपने वो कॉल्स इन एरियर फोरफीचर की एंट्री में क्रेडिट कर दिए ना, वो कॉल्स इन एरियर तो रहा ही नहीं। अगर ये मैं फोरफीचर की एंट्री नहीं पास करती तो कॉल्स इन एरियर एग्जिस्ट करता रहता आपके लेजर अकाउंट में भी। तो हम कॉल्स इन एरियर यहाँ पे माइनस करते और हेडिंग क्या लिखते, सब हेडिंग सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब मैंने वो हेडिंग स्किप करना है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द बैलेंस शीट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड अप, टू शेयर फोरफिटेड 1,98,000। So this is the difference. Okay, ji? So this thing you have to keep in your mind.